मैं फिर आ गया आपके पास, क्योंकि सूरज की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आज हम इस गीत के बारे में और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। दरअसल उन दिनों मैं फिल्में देखने के लिए घर से झूठ बोलकर निकलता, लेकिन जब पिताजी को पता चला तो उन्होंने हफ्ते में भले ही गुस्से में स्वीकृति दी हो, हाँ उन्होंने गुस्से में स्वीकृति दी थी कि एक फिल्म तो देख ही सकते हो। बस शुरू हो गई मेरी फिल्मी यात्रा, यानी फिल्म देखने की यात्रा। पिताजी ने मुझसे कहा कि दोपहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके शनिवार या रविवार को फिल्म देख सकते हो। सच तो यही है कि 1960 के दशक में राजेंद्र कुमार ऑफिसर की युगल जोड़ी ने चारों ओर धूम मचा के रखी थी। आप ये भी कह सकते हैं कि राजेंद्र कुमार के स्वाभाविक आवाज बन गए थे रफी साहब। एक और सच है जिससे मैं अभी आपको रूबरू कराऊंगा। दरअसल 1963 से 1966 के बीच राजेंद्र कुमार की लगातार 6 फिल्में हिट होने के कारण रफी साहब को इसका पूरी तरह से क्रेडिट भी मिला। इसी तरह लगातार 6 सालों में राजेश खन्ना ने भी 15 फिल्में दी थी जो कि सुपरहिट हुई थी। वह फिल्में हैं 6 जो राजेंद्र कुमार के हैं, वो है मेरे महबूब जो कि 1963 में बनी थी, मतलब रिलीज हुई थी, सॉरी आई मिलन की बेला 1964 में रिलीज हुई थी, जिंदगी जिसमें राजकुमार भी थे, बहुत ही मानवीय फिल्म थी, 1964 में रिलीज हुई थी, आरजू फिरोज खान भी इसमें थे और एक से एक बढ़कर गाने थे, 1965 में रिलीज हुई थी, सूरज 1966 में रिलीज हुई थी और सूरज ने इस तरह से डंका बजाया कि उसके बाद रफ़ी साहब और राजेंद्र कुमार की जोड़ी बन गई, जैसे शम्मी कपूर और रफ़ी साहब की जोड़ी बनी थी और यहीं से वह जुबली स्टार कहलाने लगे। एक इतिहास बन के रह गया बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया ये गीत। किसी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रफ़ी साहब का गीत इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी शादी ब्याह में यह गीत सुनने को मिल जाते हैं। लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं शादी ब्याह में और खूब मस्ती करते हैं। मेरा तो साहब मानना यही है कि आने वाले कई युगों तक बहारों फूल बरसाओं मेरा महबूब आया है लोग गुनगुनाते रहेंगे। वैसे ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। शंकर जयकिशन ने अपने आखिरी सफल में कहा था कि रफ़ी का कोई जवाब नहीं है, रफ़ी ना होते तो हम कहाँ होते। शारदा की शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी और उन्होंने इसी फिल्म से, या कह सकते हैं इसी गीत से अपना एक मकाम बना लिया था। निर्माता निर्देशक इन्हें गवाने के लिए तैयार हो गए थे। तो आज बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे सूरज की उन दिनों नेट कमाई कितनी हुई थी। ये बहुत ज़बरदस्त है, नेट कमाई सब जानना चाहते हैं। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे जनाब। Thank you.